हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीनेम ब्लूटूथ डिवाइस इन सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल। आप अपने सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल के अंदर फ्रेंड्स ब्लूटूथ डिवाइस को कैसे रीनेम कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ब्लूटूथ डिवाइस को रीनेम करने के लिए मोबाइल की सेटिंग्स को क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स को क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं कनेक्शन का, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक कर लेना। कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ब्लूटूथ। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको ब्लूटूथ डिवाइस नेम को देख सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे सैमसंग M13 5G है जो कि मेरा डिवाइस नेम यहाँ पे शो हो रहा है। फ्रेंड्स इसको रीनेम कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, इसको चेंज करेंगे फ्रेंड्स बैक आना है। जैसे आप बैक आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे फ्रेंड अबाउट फोन में आना, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड देखते हैं मेरा सैमसंग M13 देखने को मिलता है। यहाँ पे कैंसिल कर लेना, M13 को कैंसिल कर दिया, 5G को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ, मैं बैक आके चेक करता हूँ फ्रेंड्स इस बार नेम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं कनेक्शन पे क्लिक करके ब्लूटूथ पे क्लिक करता हूँ, मेरा फ्रेंड M13 देखने को मिलता है, इसका मतलब नाम चेंज हो चुका है। इस तरह से आप अपने ब्लूटूथ डिवाइस को रीनेम कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे।